रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में गोरखनाथ सर्किल क्षेत्र की शेरनी दस्ते को कराए जा रहे 3 दिवसीय कैप्सूल कोर्स प्रशिक्षण मंगलवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के तीसरे और समापन के दिन एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों द्वारा शेरनी दस्ते में शामिल महिला सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षु महिला सिपाहियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रशिक्षण के दौरान शेरनी दस्ता के ट्रेनिंग कमांडर संतोष यादव सहित अन्य संगठनों के प्रशिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, उम्मीद है आज काफी कुछ आपको बताया गया, काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक दिशा तो निश्चित तौर पर आपको बहुत जरूरी होता है, जानकारी रहती है लेकिन सही समय से उसका पहले ही पता चला कर पाते हम लोग। इससे कुछ कोई कुछ है मेरे ख्याल से आज का सब कुछ ऐसा है आप लोगों की क्या आनी चाहिए। मालूम तो करना है लेकिन मेरे ख्याल से 3 से 8 दिन का सब कुछ चल रहा है, उससे जो आधारभूत जानकारियाँ आपको होना चाहिए जो आपका दायित्व है। ये शेरनी के दस्ता का ये प्रशिक्षण 20 तारीख से चल रहा है और ये सर्कल वाइज प्रशिक्षण चल रहा है। सभी सर्कल से प्रायः ये 25 महिला आरक्षी, लगभग 25 महिला आरक्षी सभी सर्कल से उपस्थित हो रही हैं। तो 3-3 दिन का प्रशिक्षण इनको, इनके जो महिला आरक्षियों से जो श्रेणी दस्ता से अपेक्षाएं हैं, जो उनका कर्तव्य है, जो इनको कैसे क्या काम संपादित करना है, तो आधारभूत प्रशिक्षण यूँ कह लीजिए। तो आज जो प्रशिक्षण सत्र था इसमें था ये महिला एनजीओ से बातचीत, उनसे वार्ता करना था। तो आज महिला एनजीओ की तरफ से श्रीमती संगीता प्रकाश त्रिपाठी मैडम आई हुई हैं, तो आपने भी महिला प्रशिक्षुओं को अहम जानकारी दी और ये हमारी डीपीओ ऑफिस से सुनीता चौहान जी आई हैं, इन्होंने भी बच्चों के संबंध में अहम जानकारी दिया। यही है अब श्रेणी दस्ता का प्रशिक्षण। आज गोरखनाथ सर्किल का प्रशिक्षण चल रहा था तो आज इनका ये तीसरा अंतिम दिन है। तो तीन सर्किल के प्रशिक्षण आज पूरा हो जा रहा है। कैंट सर्किल का हो चुका है, कोतवाली सर्किल हो गया है और आज ये गोरखनाथ सर्किल का, इसमें महिला थाने से भी आज उपस्थित हैं।